हाड़ीरानी बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात पुलिसकर्मी की लाश आज सुबह आदर्शनगर थाना इलाके स्थित माखुपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जेलन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मृतक के परिजनों को सूचना देकर अजमेर बुला लिया। मामले की जांच कर रहे आदर्शनगर थाने के SI कन्हैयालाल ने बताया कि आज सुबह थाने के फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मृतक की पहचान भरतपुर निवासी संजय कुमार जाटव के रूप में हुई, जो हाड़ीरानी बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। वह 3 जनवरी से गैर हाजिर था। बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद ही पता पड़ पाएगा कि सिपाही की मौत किन कारणों से हुई है। संजय हमारे साथ का सिपाही है, तो सुबह लोगों ने बताया कि वहाँ कोई आदमी पड़ा था, हमने देख गए देखने तो वहाँ संजय था हमारा सिपाही जो मृतक पाया गया। तो हमने हमारी स्टाफ में और आदर्शनगर थाना में सूचना दी, फिर वो थाने वाले हमारे स्टाफ वाले आए देखे, फिर यहाँ पोस्टमार्टम इनके 791 बेल्ट नंबर थे और 2797 बेल्ट नंबर थे और हाड़ीरानी में 2015 से भर्ती है। हाँ शादीशुदा है, ये भरतपुर का रहने वाला। और ये कब से एब्सेंट चल रहे थे, क्या कुछ कारण? हाँ 3 तारीख से ये एब्सेंट है। कहीं छुट्टी ली थी या वैसे? नहीं, ये तो काफी दिनों से दारू पी रहा था, डिस्ट्रिक्ट था, तो ये मतलब बिना छुट्टी एब्सेंट था। आज ये समय करीब 10:30 बजे सूचना मिली थाने पे कि हाड़ीरानी का सिपाही था जिसका नाम संजय कुमार है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने पड़ा हुआ मिला। इस पर मौके पर पहुंचा और डेड बॉडी हॉस्पिटल शिफ्ट करवाई। अभी मृतक के वारिस आई नहीं, आने के बाद में ही पता चलेगा मृत्यु का क्या। ठीक है, एब्सेंट चल रहा था क्या? हाँ, ये 3 तारीख से अपने बटालियन से एब्सेंट चल रहा था। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।